ओके सो टुडे आज हम ना बच्चा पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, कि ये क्या होता है और इसके क्या असर होता है हमारे पे और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है यार, देखो कोई भी जो चीज है अगर सही क्वांटिटी में ली जाए तो इट्स ओके, बट अगर सही क्वांटिटी में नहीं ली जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ आपको भाई नुकसान तो देखने को मिलने ही वाला है। तो वो क्या नुकसान है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कुछ सिग्नल्स है कि जैसे हमें कैसे पता पड़ेगा कि यार कोई बहुत ज्यादा नशे कर रहा है, नशे पत्ते करना शुरू कर दिया है, देख के उसकी शक्ल से नहीं बता सकते। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जो अपन देख सकते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है तो आप देखो, एक तो वो बहुत ज्यादा अगर इन चीजों में घुस चुका है, बहुत ज्यादा नशे वगैरह कर रहा है, तो आप देखो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ना एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। वो हर इंसान से ना आइसोलेट होके रहने लग जाएगा, फैमिली से, फ्रेंड से, और उसका ना पर्सनल इंटरेस्ट, जो बोलते हैं ना हाइजीन में, जो पर्सनल हाइजीन होती है वो मेंटेन नहीं करता। मतलब ऐसे ही घूम रहा है, बिना नहाए धोए घूम रहा है, जैसी मर्जी पड़ रही है वैसे घूम रहा है। ठीक है, और उसका बिहेवियर जो है वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, हर बात बात पे चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा मारने करने पे आ जाएगा, है ना। तो उसके अंदर वॉयलेंस वाली कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा आ जाती है, समझ पड़ रही है बात। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो अगर आप देख सकते हो तो काफी लोगों में पाए जाते हैं जो ये बहुत ज्यादा नशे वगैरह करते हैं उसके अंदर। तो यार मैम, साइन एंड सिम्टम देख लिए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करें जान के, क्या मतलब हो सकता है हम क्या करें इन सबके बारे में? तो बेटा ये कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से होते हैं, कुछ अल्कोहल होती है उसकी वजह से होते हैं। तो आज हम कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, समझ पड़ा बात। यस तो मैम, सबसे पहला ड्रग जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है ओपियोइड। कौन सा है? ओपियोइड्स। ठीक है, ओपीआई तो बेटे जो ओपियोइड्स है ये सबसे पहले जैसे हम लेते हैं तो ये हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पे? ब्रेन में हमारे ओपियोइड सेंट्रल रिसेप्टर्स होते हैं, नर्वस वेरी सिस्टम। गुड, वहां पे जाके ये बाइंड करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओपियोइड ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो ओपियोइड यूज होता है आज के टाइम में वो होता है हीरोइन, है ना। जैसे आपने वो मूवी देखी है फिर हेरा फेरी में ना वो व्हाइट कलर का कोई कोई पाउडर सा होता है जो उसको स्मेल करते रहते हैं बार 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 बार, और बोलते हैं यार माल असली है या नकली है। आपने देखी है फिर हेरा फेरी, जिसके पीछे पूरी वो मूवी बनी हुई है, ज्यादातर तो उसको बाबा टेस्ट भी करता है, फिर उसको पूरी बैग। मूवियों में यही इस्तेमाल होता है हाँ, तो ड्रग्स का। हीरोइन, तो उससे आपको पता पड़ता होगा हीरोइन को हम है ना एक वर्ड और बोलते हैं स्मैक। क्या बोलते हैं? स्मैक। हीरोइन और स्मैक एक ही चीज है। ठीक है, तो अब ये केमिकली हमें कैसे मिलती है? इसको केमिकली हम बोलते हैं तो डाई एसिटाइल एसिटिल मोरफिन मोरफिन, डाई एसिटाइल मोरफिन बोलते हैं हम इसे केमिकली। ये बेटा एक तो व्हाइट कलर की होती है, जो हीरोइन होती है व्हाइट कलर की होती है, ओडरलेस होती है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है, और टेस्ट अगर आप इसको करोगे ना तो थोड़ी सी कड़वी लगती है, बिटर इन टेस्ट, और क्रिस्टलाइन ऐसे पाउडर फॉर्म में होती है, मतलब थोड़े थोड़े से ना ऐसे क्रिस्टल सा होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ये हीरोइन जो होता है। ठीक है, समझ पड़ा बात। तो हम इसको यस कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है ये पेड़ से, कोई मुझे बताएगा? क्या मैम? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। कैसे? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करके ये हमारे को प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है, और जो प्लांट है जिस पे ये मिलती है वो होता है लेटेक्स ऑफ कॉपियम पॉपी को प्लांट। पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट को और क्या बोलते हैं बेटा? पपेवर पपेवर सोमनीफेरम। क्या बोलते हैं? पपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, सोमनीफेरम ठीक है। तो हम इसको लेते कैसे? चलो आपने ना हीरोइन ले लिया, इसको आपको है ना अपने को आपको ड्रग लेना है, तो ये कैसे लेंगे? स्नॉर्ट करके। आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज में हाथ पे रख के यू करते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं स्नॉटिंग। क्या कहते हैं? स्नॉटिंग। कैसे लेते हैं हम इसको? स्नॉटिंग के थ्रू भी ले सकते हैं।
ठीक है, और इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं हम इसे, हम नहीं ले सकते मतलब लिया जाता है। ठीक है, अब जो हीरोइन है ये बेटा कैसे काम करती है, ये टैक्ट एज डिप्रेसेंट, डिप्रेशन डिप्रेसेंट की तरह काम करती है, आपके बॉडी फंक्शन को बहुत 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 शुरू ज्यादा, कर देता बॉडी फंक्शन को क्या कर देती है, स्लो डाउन। चलो। ठीक है, समझ पड़ा। अब ना ये अगर बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है तो ये हमारे क्या काम की है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? ये हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके अगर मेडिकल में अगर देखा जाए तो ये मेडिकल में हमारे काम आती है, एक बहुत ही इफेक्टिव सिडेटिव है जिससे लेके अच्छी खासी नींद आने लगती है। आप देखोगे हॉस्पिटल में जो पेशेंट परेशान होते हैं जिनको नींद नहीं आती, उनको हम मॉर्फिन ये देते हैं, हीरोइन, ऐसे हीरोइन के नाम से नहीं, ड्रग्स में है ना, ये बहुत अच्छी पेन किलर भी है। क्या है? बहुत अच्छी पेन किलर भी है। ठीक है, तो ये पेन किलर कब यूज होती है, जैसे अगर किसी का सर्जरी हुआ है अभी रिसेंटली, तो उसको ऑब्वियस टांके वगैरह लगे हैं तो उसको दर्द होगा, तो उस वक्त उनको ड्रग्स वो वाले दिए जाते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा हीरोइन का कंसेंट्रेशन होता है। ठीक है, क्लियर यस मैम, ये सबको, हीरोइन क्या है, कैसे काम करता है, क्या ये सारा बस आपको याद रखना है। इसके बाद सेकंड जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कैनाबिनॉइड्स। व्हाट? कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो अभी कैनाबिनॉइड्स जो है ये बेटा हमारे जो ब्रेन में कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर है ना, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हमारे जो ब्रेन में वहां पे प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? इन ब्रेन यस तो मैम, वहां पे यस जाके इंटरेक्ट करता है। अब हम इसको कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, इसको हम ऑप्टेन करते हैं प्लांट एनिमल, के मूल कहाँ से? कैनाबिस सैटिवा इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिनेस सटाइवा, सैटिवा कैनाबिस सटाइवा, यहां से ये पाया जाता है। ठीक है, अपना देखो क्या होता है, मैम। कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट होता है, तो उसके अंदर लीव्स भी होती है, फ्लावर भी होते हैं, रेजिन्स भी होती है। तो क्या करते हैं, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन, लीव्स का कॉम्बिनेशन बना दिया, रेजिन्स का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो कैनाबिस सटाइवा के अलग अलग प्लांट के पार्ट का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ना अलग अलग ड्रग्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने ड्रग्स का नाम सुना होगा, दैट मारिजुआना नाम सुना है आप लोगों ने? नो मैम, नो हशीश सुना है? हशीश, मैम, चरस, सिर्फ हाँ, चरस और गांजा सुना है, चरस, और गांजा गांजा ये सब ये सुना है ना, चरस, गांजा, मारी मारी शिवाना है ना, तो ये सारे जो ड्रग्स है ना, हशीश, चरस, गांजा, मारी शिवाना, ये कहाँ से मिलते हैं? कैनाबिनस सटाइवा जो प्लांट होता है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन, उसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन का ये रिजल्ट होता है। ठीक है, यस Yes, मैम। समझ पड़ा। अब इसको हम कैसे लेते हैं, इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, इनहेल करके भी ले सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती है। और ये हमारे डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है बेटा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, अब यस मैम, यस मैम। आप आओगे एक ड्रग्स पे जिसका नाम है कोका एल्केलॉइड्स। क्या नाम है? कोका एल्केलॉइड्स, या फिर इसको कोकेन भी बोलते हैं। यार ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, कोकेन तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये हर कोई मतलब लेते हैं, जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इसको ले रहा है, कोकेन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, क्यों लेते हैं यार? एक तो ना इसका ना सबसे पहले ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ता है, सबसे पहले लेते ही किस पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और जैसे ही फर्क पड़ता है तो एक फीलिंग आती है यूफोरिया की। किसकी? यूफोरिया। यूफोरिया फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आप इसको खाके ना, बहुत खाके और जैसे भी लेते हैं उसको, बहुत खुशी खुशी होती है यार, मुझे बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, हंसने लगता है इंसान, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसे पूरी दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, इसीलिए कोकेन लेते हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये कोकेन कहाँ से मिलता है? देखो साउथ अमेरिका में ना एक प्लांट है, साउथ अमेरिका में एक रिथ्रु प्लांट है, जाइलम कोका, रिथ्रु जाइलम हाँ, कोका, इरिथ्रो जाइलम कोका, जाइलम कोका,
तो ये इस प्लांट से पाया जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है, इसकी लीव से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मैं वही बात करूं कि इसको कैसे हम लेंगे, स्नॉट करके लेंगे, स्नॉटिंग करके हम इसको ले सकते हैं, स्निफ करके ले सकते हैं। अब ना इसका क्या है, एक तो रीजन, अगर आपने इसको सही अमाउंट में लिया तो यूफोरिया होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, पर अगर इसका ओवरडोज हो गया, बहुत ज्यादा आपने एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, तो उसके बहुत ज्यादा हाँ साइड इफेक्ट्स भी हैं। इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है कि एक तो देखो हेडेक होगा, कन्वर्जन्स होंगे, एलुसिनेशन हाँ एलुसिनेशन हाँ हेलुसिनेशंस होने लगेंगे। हेलुसिनेशंस पता है ना सबको क्या होता है? नो मैम हेलुसिनेशन मतलब कोई आपके सामने घबराहट। चीज नहीं है, आपके सामने कोई चीज नहीं है, बट फिर भी आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ कि मेरे सामने से वो दिख ट्रेन रहा आ है रही है, आ रही मैम, है, आ रही है, आ रही है। घबराहट होती है ना वो। नहीं, हेलुसिनेशन मैं समझा रही हूँ ना, मैम भूत हेलुसिनेशन क्या होता दिखना। है कि आपके सामने जो चीज नहीं है आप उसको इमेजिन करने लगते हो, हेलुसिनेट करने लगते हो कि मुझे लग रहा है मेरे सामने से ट्रेन आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे बीच है, यहाँ पे क्या है, तो जो चीज नहीं है वो बस मैं इमेजिन कर रही हूँ, फेक चीजें मैं बना रही हूँ अपने आसपास, तो दैट इज हेलुसिनेशन, ठीक ओके मैम है, इज दैट क्लियर? तो ये है कुछ हमारे कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन के नुकसान। फिर उसके बाद आता है यार हेलुसिनोजन, जो डायरेक्ट हेलुसिनेजन सिनोजन्स होते हैं ना, जो हम डायरेक्टली लेते हैं हेलुसिनेट करने के लिए, हम नहीं लेते हैं, जिनको करना होता है, जो दुनिया से बहुत ज्यादा परेशान है, तो बेटा उनका जो सीधा फर्क है, उसका सीधा फर्क पड़ता है सेरिब्रम पे। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम होता है, वहां पे फर्क पड़ता है, और हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उस पे इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमारे जो हेलुसिनोजन्स होते हैं ये कहाँ से पाए जाते हैं? ये प्लांट होता है एट्रोपा बेलोडाना मोड, यस एट्रोपा मैम। बेलो डोना, हाँ वो अलग है, डोना, मैम दो प्लांट है ना, दतुरा और ये अलग है। हाँ ये अलग है बेटा, ठीक है, एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा, यहां से ये पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक आपने ड्रग का नाम सुना होगा हेलुसिनोजन, इसका मैं बात कर रही हूँ एलएसडी, कौन सा ड्रग आपने सुना है एलएसडी के बारे में? नो मैम तो इसका है इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। तो बेटा ये एक एलएसडी एक ड्रग होता है जिसको हम साइकेडेलिक ड्रग भी बोलते हैं। क्या साइकेडेलिक ड्रग बोलते हैं? कि मतलब आपके सामने कोई चीज नहीं है, फिर भी आप इमेजिन कर रहे हो, और इसको तो लेने के बाद काफी लोगों की डेथ होती है, कि मतलब लोगों को लगता है कि मेरे सामने से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है, कुछ लोग छत से कूद जाते हैं, तो काफी सारी सुसाइड्स भी होती है एलएसडी को लेके, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको पता ही नहीं होता आप कौन सी दुनिया में, कुछ अलग अलग ही हो जाता है। माइंड ऑल्टरिंग ड्रग है बेसिकली, कैसा है, माइंड को ऑल्टर कर देता है ये एकदम से, ठीक है। तो ये एक प्लांट है, एक फंगस है बेसिकली, ये उससे पाया जाता है। तो उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्या नाम है फंगस का? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या फर्क होता है, आपके थॉट्स चेंज होने लगते हैं, फीलिंग्स चेंज होने लगती है, ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है, ठीक है। बट हेलुसिनोजन्स ये एलएसडी वगैरह जो है वो बेकार है। अगर इसको मेडिसिन के टर्म में देखा जाए जो अच्छे हैं, उसका नाम है बारबिट्यूरेट्स, ठीक है, ये हमारे मेडिसिन में काम आता है, ठीक है। और बेंजोडायाजेपिन, आप जब अगर डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे एक ड्रग आता है बेंजोडायाजेपाइन, दवाई भी आती है ना, तो ये हमारे नॉर्मली मेडिसिन में काम आता है, ठीक है। लोग नॉन मेडिसिन में काम ना लेके एलएसडी लोगे तो फिर दिक्कत होगी होगी, ठीक है। किसी यस को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम क्लियर है ना, सॉर्टेड है एकदम, यस यस मैम ठीक है। फिर इसके बाद एक ड्रग आता है जिसको सब जानते हैं, टोबैको, कौन सा है? टोबैको, तो ड्रग है मैम। हाँ, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है ना,
अब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या चल रहा है, ये तो भाई कुछ अलग ही बता दिया मैम एकदम से, हम तो मैम देख कल रहे थे। हाँ इंटरनेशनल डे था अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। इसके अंदर क्यों, क्योंकि एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं निकोटिन। क्या बोलते हैं? निकोटिन। निकोटिन जो होता है वो हार्मफुल एक ड्रग होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ये निकोटिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को। किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड हमारे को जैसे कि पता है क्या रिलीज करता है, एड्रिनलिन एंड एडिनिल एड्रिनलिन। और ये क्या करता है, दोनों ड्रग हमारे जो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन। प्रेशर है उसको बढ़ाता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो आप देखोगे जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, उनको बीपी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है। इसलिए बोलते हैं जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको तंबाकू नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निकोटिन होता है, निकोटिन उनका बीपी और हार्ट रेट बढ़ाता है। पर क्या करें, ड्रग है, उनको आदत पड़ चुकी है। आप कितना ही बोल लो आप पागल हो, पर वो सही है, वो नहीं सुनेंगे आपकी, वो छुपके से खा लेंगे पर वो खाएंगे। ठीक है, समझ पड़ा ये बात? तो अब ये कहाँ से प्लांट मिला, ये जहां से मिलता है प्लांट से, ये इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम ही तबैको है। क्या नाम है? तबैको। अब ये आपको तो पता ही होगा तबैको को कैसे खाते हैं, स्मोक करके। जो सिगरेट होती है, सिगरेट जो बेसिकली होती है उसके अंदर वो तबैको ही होता है बेटा, है ना? तो हम इसको स्मोकिंग के थ्रू भी ले सकते हैं, च्यूइंग। वो लोग वो गुटखा ऐसे खोल के ऐसे खा के ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो चू करके खा सकते हैं, ऐसी वाली चीज है। ठीक है, तो इसके और भी नुकसान है। सिर्फ ये बीपी और हार्ट रेट नहीं बढ़ाता है, ये साथ ही साथ हमारे लंग कैंसर भी करता है, जो आप देखते होंगे अपने ना, जब लोग आप खरीदने जाते हैं तो उस पर लगा रहता है लंग कैंसर। लंग कैंसर के साथ ये ब्रोंकाइटिस भी कर, एम्फिसाइज़ एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ गैस्ट्रिक। कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये सारी बीमारियां। हाँ गैस्ट्रिक अल्सर ओरल कैंसर है ना, और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो ये सारी चीजें हैं ये जो करता है, तो भैया नहीं खाना चाहिए। पर क्या? क्या होता है हाँ फ्रूट? क्या? TH RO AT। TH थ्रोट क्या होता है? किसने पूछा ये क्वेश्चन? मैम ये भी वो है ना डिसऑर्डर। यार निगम को मैं उठा के बाहर फेंक दूँ? क्या बोलते हो बच्चे? यस निगम मैम आज हो पूछ रहा है जाएगा। कि थ्रोट क्या होता है। कौन कौन अग्री करता है कि मुझे निगम को बाहर फेंक देना चाहिए उठा के? हाथ मैम सभी एग्री करेंगे। ऊपर कर दो जो अग्री कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर दो, हैंड रेस कर दो। बेटा सबने हाथ रेस कर दिया है कि इसको उठा के ना सीधा सीधा बाहर फेंक देना चाहिए, और ऐसा कि इसको वापस कभी क्लास में भी नहीं लेना चाहिए। बेटा ये जो दिख रहा है ना तुम्हारे गला, ये इसको थ्रोट कहते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चे को पता है ये बात? मैम वो तो मुझे पता है, लेकिन मैम मतलब डिसऑर्डर कैसे होता है ये वाला छूट का? कौन सा डिसऑर्डर हो गया थ्रोट का? यहाँ पे कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है? मैम ऐसे थ्रोट है मैम यहाँ पे, मतलब कि ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं थायराइड ग्लैंड होती है ना मैम, हाँ मैम उसमें एक मैम डिसऑर्डर पड़ा था, मैं भूल रहा हूँ मैम अभी, तो इसलिए मैम वो पूछ रहा था मैं। अभी आपने थ्रोट पूछा, और थायराइड का इससे कोई लेना देना नहीं है। थायराइड बिल्कुल अलग चीज है। हमारे यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, दो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और दोनों थायराइड ग्लैंड के ऊपर दो दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अपन ने 11th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं थायरो T3 और T4। दो हार्मोन रिलीज करता है, T3 हार्मोन एक T4 हार्मोन, और ये हमारी बॉडी में थायरोन हार्मोन को पूरा बैलेंस करके रखता है। थायराइड अगर हार्मोन बढ़ जाता है तो हमारे को एक की कमी हो जाती है, तो एक होता है हमें गोइटर, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से T3 T4 कम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं गोइटर, याद आ रहा हो तो, है ना? तो उसका यहाँ पे अभी कोई लेना देना नहीं है। मैम इससे उसका रिलेटेड नहीं है।
थ्रोट और उसका, इसलिए मैम पूछ रहा था मैम अगर रिलेटेड हो तो। नहीं, थ्रोट कैंसर अलग होता है। थ्रोट में आपके जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका फंक्शन अलग होता है। आप जो अगर सोच रहे हो गला ऐसे फूल जाता है लोगों का, है ना, आपने टीवी में एड देखे होंगे गला फूल जाता है, वो थ्रोट कैंसर है। ठीक है, ओके मैम, समझ पड़ा। हाँ, यस मैम। जैसे हम क्या कहते हैं, तबैको ले रहे हैं, स्मोक करते हैं, हम वो सिगरेट पीते हैं, तो मतलब इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ना कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना उसका अमाउंट भरने लग जाता है। और ये तो आपको पता ही है बचपन से कि अगर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया तो ग्लोबुलिन ऑक्सीजन की हीम कंसंट्रेशन मैम कम कर बाउंड देता बर्निंग कर देता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और कम हमारे को सांस घुटना शुरू हो जाती है। तो कभी कभार हमारी क्या होता है, बॉडी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो ऑक्सीजन जाती है। तो इसकी वजह से नहीं बोलते कि लोग जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको लंग्स खराब हो जाते हैं। तो किस लिए लंग्स खराब होते हैं, अभी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में ना कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा भर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भरने की वजह से बेसिकली क्या हुआ है, अब जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो आरबीसी के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन पहुंचा रहा था वो नहीं पहुंचा पाता है। ऑक्सीजन आरबीसी और हीम बाइंड नहीं कर पाते और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, यस मैम, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो चलो अब देखो, अब करते हैं थोड़ी सी बात। जैसे एडोलसेंस पीरियड होता है, आई डोंट थिंक इसको लिखने की जरूरत है कि एडोलसेंस पीरियड क्या होता है ये सब। नो मैम, अडल्ट किसको कहते हैं, है ना, आप 12 से 18 साल के जो एज ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। अब एडोलसेंस इसके अंदर पीरियड। बच्चा बड़ा हो रहा है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको भैया नए नए शौक पड़ रहे हैं, मैं इधर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, मैं अपने उधर दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। जैसे अभी आप इस एज ग्रुप में हो, आपके आसपास आपने देखा होगा काफी सारे लोग शाम पड़े जाके बैठ जाते हैं थड़ी पे, सिगरेट फूक रहे होते हैं, कोई बैठ के है ना एल्कोहल ले रहा है ना। तो ये आधी से ज्यादा जो चीज है वो कहाँ से आती है, कुछ लोगों को लगता है कि ये लेने से रिलीफ मिलेगा, या तो वो इसलिए ले रहे हैं, है ना, कि हम रियलिटी को एक्सकेप कर लेंगे, हम नशे में अच्छा अच्छा लग रहा है आज रात निकल जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि यार मेरा दोस्त ले रहा है, एक बार मेरे को भी ट्राई करके तो देखना ही आखिर है क्या चीज, है ना, एक ये रीजन होता है। और तीसरा है कि यार सब ले रहे हैं तो वो अपने साथ वाले दोस्त को प्रेशराइज कर रहे हैं, यार तू भी ले तू भी ले तू भी ले, ऐसा ही होता है। ये तीन ही रीजन होते हैं। पता नहीं, यस मैम, पता नहीं मैम, हमने पहले किया, मैम कौन था ये पता नहीं वाला? पता शिवम। बेटा कभी आसपास नहीं देखा आप लोगों ने आपके है। मैंने एज ग्रुप में, क्लासमेट को देखा ऐसा है कि नहीं मेरे देखा दोस्त आप है, लोगों ने बट आपके कुछ सारे, होता क्या बेटा? है। नो मैम, मेरे क्लासमेट में कुछ करते थे लेकिन वो कोई अलग ही था, पता नहीं क्या था, मैं नहीं जानता, लेकिन वो करते थे। हाँ नहीं, इस एज ग्रुप के ना काफी सारे, सारे नहीं बोल रही मैं, लोग करते हैं वो, क्यों, क्योंकि काफी वो परेशान होते हैं ये करते हैं, तो उनको नहीं पता, उनके पास गाइडेंस नहीं कि नहीं करना चाहिए, ये चीज सही नहीं है, ऐसा करके आप अपने आप को ही और हार्म पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो। बट ये जो करता है, अपन उसको ये बात समझाएंगे, उसको नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? बिकॉज उसको क्या हो चुका है, अडिक्शन हो चुका है। तो मैं आपको दो चीज बताने वाली हूँ, एक अडिक्शन और एक डिपेंडेंस। क्या बताने वाली हूँ? अडिक्शन और डिपेंडेंस। अडिक्शन एक है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ठीक है, आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मैं इस चीज से अटैच हो चुका हूं और उसकी वजह से आपको टेम्पररी बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग मिल रही है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ इफोरिया, वेल बीइंग, आप मतलब उसको लेते ही है ना बहुत अच्छा अच्छा फील कर रहे हो। जैसे ड्रग छोड़ो, अल्कोहल छोड़ो, आपने देखा होगा लोगों को चाय की लत होती है, अगर उनको शाम में चाय चाहिए तो मतलब चाय चाहिए, सुबह उठते हैं उनको चाय चाहिए तो चाहिए, देखा है कि नहीं देखा है आपने? यस यस मैम, तो सिर्फ अडिक्शन सिर्फ ड्रग या अल्कोहल का नहीं होता, अडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, वो साइकोलॉजिकली होता है। चाय का हो गया तो चाय का भी हो सकता है, कॉफी का है तो कॉफी का भी हो सकता है, इवन आपने देखा होगा कुछ लोग वो उसकी स्मेल करते हैं,
दैट वेस्लीन पेट्रोल को स्मेल करते हैं, तो ये क्या है अडिक्शन, उनको बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है। तो बेटा अडिक्शन इंसान का हो सकता है, नहीं बोलते यार मैं इस इंसान के लिए एडिक्ट हो गया हूँ, कैसे कि यार मतलब मुझे ना अच्छा लग रहा है उसके साथ रहना, उससे बात करना, या कोई ड्रग लेना या अल्कोहल लेना या चाय लेना, मुझे साइकोलॉजिकली अच्छा लग रहा है, मेरे बस दिमाग में है कि ये होगा तभी मैं अच्छा हूंगा, अगर ये नहीं होगा तो मैं अच्छा नहीं हूंगा। तो ये क्या हो चुका है अडिक्शन। अब हमारी बॉडी है, अगर मैं इस अडिक्शन को एकदम से छुड़वाऊं, आज लेट से मैं एकदम से, किसी को है रोज नशे करने की आदत या किसी को किसी इंसान की आदत है, आज एकदम से तुम उस इंसान से बात करना छोड़ो, क्या आप घबरा नहीं जाओगे? नहीं 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 मेरे को बात करनी है, ऐसा होता है नहीं होता है? होता है यस कि यार ये कहाँ है, नहीं मुझे करनी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे किसी से बात करने से रियलिटी में अगर देखा जाए, अगर आप दूसरों को अपन ज्ञान दे पाते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा लाइट जा चुका है, ठीक है। मैम, हाँ तो ऐसा अपन अपन खुद अगर उसके अंदर स्टेट है, तो आप एक सिम्टम देखते हो, सिम्टम क्या क्या, आपको एंजाइटी होने लगती है, बहुत शिवर करने लगते हो, स्वेटिंग होने लगती है, शेकीनेस होने लगता है, नौजिया होने लगता है, तो ये सब क्या है, विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम मतलब आप किसी इंसान से उसकी चीज छुड़ा दो एकदम से, या वो ड्रग हो, अल्कोहल हो, या फिर इंसान हो, कोई भी एक आदत जो एकदम से है ना छुड़ाई जाएगी, तो वो आपको कुछ सिम्टम्स देगी, जिस सिम्टम को बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। व्हाट वी से, विड्रॉल सिम्टम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, यस मैम, सिम्टम्स क्लियर है कि आपको वो, अब यहाँ पे एडिक्शन और डिपेंडेंस में यहाँ पे सिर्फ ड्रग अल्कोहल है ना कि रेफरेंस में वैसे बात करते हैं, यहाँ पे मैं वही पढ़ाना चाह रही हूँ, बट मैंने आपको रिलेट करके बताया कि यार क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो एडिक्शन क्या है, किसी चीज की दिमाग में बस बैठा लेना मुझे इसकी आदत है। डिपेंडेंस क्या है, मैं अगर उसको छुड़ाऊं तो अब आप क्या करोगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम शो करोगे, ठीक है, समझ पड़ा बात? तो इसलिए कभी आपने देखा होगा कि किसी भी इंसान की ना, अगर जैसे आप कोई रिहैब में जाओगे, जो वो बहुत ही नशेबाज है, नशे पत्ते करता था, आप उसको किसी रिहैब में भेजा, तो एकदम से उसका सब नहीं छुड़ाते हैं, धीरे 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 करके छुड़ाते हैं, नहीं तो अगर एकदम से छुड़ाया तो इतना ज्यादा विड्रॉल सिम्टम आता है कि वो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। कभी आपने देखा होगा किसी इंसान का रिलेशन खत्म हुआ है, तो मतलब जैसे काफी टाइम का रिलेशन था, वो खत्म हुआ एकदम से, तो वो पगला जाता है कि नहीं पगला जाता है एकदम से? कबीर सिंह, यस हाँ मैम, है ना, हाँ राइट राइट, तो वो एकदम से पगला जा रहा है ना, तो वो एकदम से पगला जा रहा है, तो वो क्या है, विड्रॉल सिम्टम है। जिसने संभाल लिया वो बच जाता है, जिसने नहीं संभाला तो वो तो काफी सारी हरकतें करता ही करता है। तो वो जो सिम्टम आता है ना पगलाने वाला, दैट इज, वो पगला नहीं गया है, वो विड्रॉल सिम्टम है उसका, ठीक है। यस मैम, तो अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोवाइड करके। जैसे आप लोगों के पास एजुकेशन है, आपको पता है कि यार देखो, आपको पता है कि यार देखो मैं किसी इंसान की वजह से परेशान हो रहा हूँ, या मैं अल्कोहल की वजह से परेशान हो रहा हूँ, या मुझे ड्रग की वजह से परेशान हो रहा हूँ, ये सिर्फ टेम्पररी है, मैं धीरे 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 करके इसको ओवरकम कर सकता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है, और आपको पता है फाइनली इसके हार्ड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा, इसको नहीं लेने में ही मेरी भलाई है। तो एजुकेशन जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इससे बचने का, ठीक है, समझ पड़ा बात? दूसरा कि अगर आपका पीयर प्रेशर, अगल बगल के लोग ले रहे हैं, ले यार भाई तू भी ट्राई कर 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 कर, अरे नहीं करना नहीं करना नहीं करना भाई, क्योंकि बाद में दिक्कत मेरे को ही देखनी है, तो मैं भले आदत नहीं हो, मुझे तो आदत हो जाती है, मैं तो मासूम हूँ, ठीक है। फिर एक होता है लाइफ में काफी सारे फेलियर आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट नो डाउट आते हैं, मतलब 4 दिन अच्छा है तो 4 दिन बेकार है कि नहीं है, है ना? लाइफ का 6 मंथ अच्छा तो 6 मंथ बेकार, 6 मंथ अच्छा तो 6 मंथ बेकार। तो अब डिसअपॉइंटमेंट के टाइम लोग इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, उनको आदत में डाल देता है। तो भाई इसको नहीं लेना है डिसअपॉइंटमेंट के टाइम में, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ हो जाए, कुछ करो, पर इसको नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि फिर भी कंट्रोल में नहीं है, तो हेल्प लो आसपास से, पेरेंट्स के लिए ले सकते हो, ठीक है, अपने आसपास दोस्तों के ले सकते हो तो भी ठीक है। फिर हमारे से रिहैब होते हैं, वहां पे फिर लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, और आपको दिख रहा है अब तो भाई डेंजर साइन है कि यार लाइक, तो फिर बहुत ज्यादा हाथों हाथ कंसल्ट करने की मेडिकल में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे यार, इवन ऐसा कि जो ड्रग्स है ना, इनके ऐसे इफेक्ट्स है, मैं आपको बताऊं,
जैसे एलएसडी है, तो ये क्या करता है, इसमें ना इंसान कभी कभार अपने आप को ब्लेम करने लगता है किसी भी चीज के लिए, एकदम से मैंने ऐसा कर दिया कर दिया कर दिया, और ब्लेम करते करते छत से कूद जाएगा, ऐसा होता है। इतना ज्यादा माइंड ऑल्टर हो जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है कि क्या से क्या चीज हो चुकी है। ठीक है, यस सर। तो बहुत सारी खराब चीजें इसलिए नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो। ज्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, सड़ जाता है लिवर। क्या हो जाता है, लीवर सड़ जाता है, कोई रिप्लेस नहीं करवाने आएगा आपका लीवर। समझ पड़ रहा है बात? यस मैम। यस मैम। पहले तो बहुत कूल लगता है, बहुत कूल लगता है, ठीक है, बट इन द एंड ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो दैट सेड यार, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें? नो मैम। नहीं नो है मैम। ना, तो ये सॉर्टेड है। तो अब इसके क्वेश्चंस कर ले या फिर इसको खत्म करें, यहाँ पे बताओ, आप यस जैसा मैम। बोलोगे वैसा कर लेंगे, क्योंकि मेरे लाइट नहीं है, तो आई प्रिफर एनीथिंग अभी। शिवम शिवम शिवम, बताओ बताओ क्या करना है, क्वेश्चंस करना है? मैं आपकी चाय या मैम ग्रुप में सेंड कर देना, हम कर लेंगे। मेरे को लग नहीं रहा तुम लोगों में से एक ने भी हाँ नहीं बोला, एक ने भी की मजाक, एक जना हाँ बोल देता। मैम लाइट चली गई ना, आपने बोला तो बोला नहीं। करवा लो मैम, कोई चाय दिक्कत नहीं, हमको नेट चाय बहुत है अभी, की, हाँ करवा लीजिए मैम। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ या अभी भी चलेगी? चलेगी बेटा चलेगी, देख लेते हैं एक बार। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या है ना। यस मैम। मैम ग्रुप में तो उसमें बेतली लिंक पे मैम आपने कुछ लेक्चर अपलोड ही नहीं किए। ठीक बेटा सारे अपलोड है, बस कल का नहीं होगा, बाकी सारे अपलोड है, जाके देखो एक बार। कल देखा था दो आपने? और चेक करूँ, परसों चेक किया था मैम। कल कल मैंने कर दिए थे, एक बार देखना है ना। कल मंडे था यार, मंडे को करूंगी ना मैं संडे में थोड़ी काम करूंगी। मैं तो संडे ही मिलता है बस। नहीं, मैं संडे को भी काम कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, है ना। नहीं नहीं हमारे हम पता है देखते लोगों को हैं, बाढ़ आ मतलब चुकी है, हमारे ना बाढ़ आ चुकी है, हमारा घर पूरा पानी में डूब गया, पता है आप लोगों को? मैम वो आया था साइक्लोन बिपरजॉय। हाँ, हमारा घर तो पूरा पानी में डूब गया, सारे पलंग। इवन मैं एक्चुअली बाहर गई हुई थी, तो मैं बाहर गई हुई थी, तो जब मैं घर में आई तब मैंने देखा मेरे जितना भी, जैसे अलमीरा होता है अपने ड्रॉअर्स होती है अलमीरा में, एक दो तीन, राजस्थान से हो ना? हाँ, तो मेरी लास्ट वाली जो ड्रॉअर है जितना भी सामान था, लाइक मेरी लास्ट वाली ड्रॉअर में पड़ा होता है सारे मेरे ऐसे छोटे मोटे डिओ और एक कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बॉक्सेस वगैरह, सारे हैंड बैग्स वगैरह। तो मैंने, मेरे को ऐसे वीडियो बनाया, वो सब बाहर ऐसे तैर रहे थे मेरे, लिटरली मेरे बाहर ऐसे सब तैरते हुए, मेरे डियो सारे तैरते हुए जा रहे थे, मेरे इतने महंगे महंगे सारे जो मैं परफ्यूम यूज करती हूँ वैसे बह के जा रहे थे, मेरा ना कलेजा बाहर आ गया, रोना निकल गया मेरा। मेरे बहुत लो हैंड बैग जैसे तैर के जा रहे हैं, तो मतलब सारे मेरे सामान ऐसे के ऐसे खराब हो गए, इतना ज्यादा हमारा है, इतना की जो हमारा बेड है वो सब डूब गए, सोफास डूब गए, सब हो गया हमारे। तो नया था। हमारे बहुत ज्यादा गंदा आया। इवन मंदिर जाती हूँ तो आपको पता है मैं मंदिर कैसे जाती हूँ, गाड़ी पे। नाव से एक्चुअली हमारा नाव चल रही थी सड़कों पे, हमारे सड़कों पे नाव चल रही थी, बट तब मैं उधर थी, बाहर थी, ठीक है, वो वाली चीज है। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ। हाँ, नहीं, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, मैम अटेंडेंस वाली लिंक आज मैम एंटर करते जाते समय ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ा था, पहले वो ले नहीं ये रहा मेरे को था। बताया बच्चों ने, कहा है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो आप भले सॉल्व करना मत करना, ठीक है, चलो करना, ऐसा तो नहीं है सॉल्व मत करना, मैं करा क्यों करेंगे रही हूँ फिर।
ठीक है। आप ही करा दो। हाँ नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, सेंड मी दिस वीडियो। हाँ बेटा सही बात है, सारे वीडियो सेंड कर दें आपको, मैं नहीं चाहती मेरा तमाशा बने। मैम सोशल मीडिया पे लाइक्स मिलेंगे बस। अरे यार क्या करना लाइक्स का, यार वेयर इट इज। चलो ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, कौन करता है सबसे गंदा वाला? मैंने आपको कौन सा बताया था, फाल्सीपैरम वाइवैक्स होवेला मलेरिया। मैंने आपको बताया था सबसे गंदा जो मलेरिया होता है वो होता है फाल्सीपैरम की वजह से। तो ओ 21 का आंसर है ए। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, व्यूचेरिया। मैंने आपको बताया था ना व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक जो था वो एलिफेंटेसिस कॉज करता था, जिसके अंदर लोअर लिम पूरा स्वेल अप हो जाता, जेनाइटल ऑर्गन्स भी पूरे ना डैमेज हो जाते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, अडल्ट्स ऑफ विचेरिया बैनक्रॉफ्टी अटैक, किसको अटैक करता है ये जाके? वेरी ऑप्शन सी गुड, लिम्फेटिक डायरेक्ट। सिस्टम को ये इफेक्ट करता था, और लिम्फेटिक में भी किसके? लोअर लिम के लिम्फेटिक सिस्टम को। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक सेम क्वेश्चन है बेटा, याद आ रहा है, इसमें एलिफेंटेसिस ही था, लिम्फेटिक वेसल किसमें इफेक्ट होते हैं? हमारे एलिफेंटेसिस में भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यस नंबर 45, मैम देख नहीं रहा। अरे ये रहने दो रहने दो रहने। क्वेश्चन नंबर 49, डी वेरी गुड, आंसर इज डी। अब जैसे मैम इसका डी इम्यूनिटी, था ना, हाँ डी डी ऑल ऑफ दीज, डी फॉर डेली। हाँ डी फॉर डेली। मैम बी और डी में मैम कंफ्यूजन हो जाती है ना, अगर बी बोलते हैं तो लगता है मैम डी बोल ये रही है। मैं श्योर बोल सकती हूँ, ये जो कंफ्यूजन है ये निगम को हो रही होगी। नो मैम सभी को ज्यादातर होती है। क्वेश्चन नंबर 51, इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इन्नेट, आपके मैंने बताया था जो हमेशा बिफोर बर्थ आती है, तो वो होगा डी, इनबॉर्न होती है, फैमिलियर होती है, जेनेटिक होती है, कि आपके ऊपर है ही नहीं, तो 51 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54,
सी। वेरी गुड, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 72, दो तरह की इम्यूनिटी बताई थी मैंने आपको, एक सेल मीडिएटेड बनाई थी और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी बताई थी। तो सेल मीडिएटेड मैंने आपको बताई थी टी लिम्फोसाइट से होती है और ह्यूमरल साइट से होती है। तो 72 यस आंसर होगा ए, बहुत मारूंगी ए आंसर होगा। मैम, बी लिम्फोसाइट तो मैम हेल्प करती है ना। क्या ह्यूमरल में होती है ना बी, यस मैम। और यहाँ पे सेल मीडिएटेड पूछिए तो वो टी से होती है। क्वेश्चन ओके। नंबर 74, डी याद आ रहा है कुछ? 74 बेटा इसका आंसर होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद आ रहा है जब मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट, फिर आपके जो रिजेक्शन होते हैं आपको अपने सपासी से किसी से लेना होता है अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है, सेल मीडिएटेड में मैंने बताया था। सो आंसर इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 93, जिसके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वो कौन सी होती है? ऑटो इम्यून डिजीज मैंने बताया था ना, जब सेल खुद के और दूसरे सेल के अंदर बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और खुद के सेल को ही समझते हैं कि ये फॉरेन सेल्स हैं या कोई पैथोजन है या कोई एंटीजन है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, माइस्थेनिया ग्रेविस। आ रहा है गलती से याद? क्वेश्चन यस मैम। नंबर 94। मैम ये तो आपने बता दिया, ये ऑप्शन। चलो कम से कम कान तो खुले हुए हैं तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 108, वेरी डी गुड, पेशेंट था। यस क्वेश्चन नंबर 127, बेटा मैम 127 का डी होगा। डी क्या होगा? डी। डी। ठीक है, ओके क्वेश्चन मैम। नंबर 128। मैम डी डी ऑल गुड, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 134, ए अभी मैम बताया ऑप्शन था मैंने सी। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ ऑप्शन ए मॉर्फिन। मैम बोला तो था, हम बता तो दी। मैम बताया था आपने, सुना नहीं होगा। बोला तो था।
क्वेश्चन नंबर 157। डी ऑप्शन में क्या 157? डी मैम डी डी कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ भी प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी बॉडी में भरी है। यस मैम, मैं उसके धुएं में बात कर रही हूँ। बताओ मैम निकोटीन। एनीवन एल्स? ठीक है, निकोटीन। दैट्स इट। ठीक है बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। तो ये है आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है मैम, इनके स्ट्रक्चर पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ नहीं मैम, वो अटेंडेंस वाली लिंक भेज दीजिए। हाँ मैं वही कर रही हूँ बेटा। मैम हमें बिटले की लिंक चाहिए। मैम SRN की जगह फोन नंबर डालना है ना अपना रजिस्टर्ड वाला। ये एक तो मैं सवाल से इतना ज्यादा सच्ची बता रही हूँ, दुखी हो गई हूँ। लोग नशे में सुसाइड करें ना करें, मैं इससे कर लूंगी। मैम क्लास ज्वाइन की थी तो यही डाला था। हाँ बेटा वही है, वही है, वही डालो। ओके मैम, है ना, वही डालो। मैम बिटले का लिंक भेज दीजिए। उसमें है, ऊपर व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसके अंदर वो है बिटले अपलोड का लिंक है, वहां से एक बार चेक करना। ठीक है, यूट्यूब का लिंक जाता है। नहीं नहीं बेटा, उसके अंदर आपका PPT वगैरह सबका है, उसको खोलोगे सब खोलता है उसके अंदर। मेरे नोट्स भी मिलेंगे, PPT भी मिलेगी, नोट्स और PDF वो क्लास के मॉड्यूल भी मिलेंगे। क्या बेटा? मैम हम खोलते तो यो वो यूट्यूब की आपकी सारी वीडियो आ जाती है। नहीं बच्चा, उसके अंदर वो भी है, एक बार करना रिफ्रेश वगैरह करके करो, या फिर मैं काम करती हूँ। बैच नंबर कौन सा? ये देखो, हर बार बताती हूँ, B08। याद कर लो, अपनी बताऊंगी मैं तुम्हारा बैच नंबर, ये लिख दिया है मैंने। ठीक है सौरभ, मैं काम करती हूँ, अगर आपसे नहीं खुल रहा है तो मैं अभी ग्रुप में ना वापस उसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, वहां से एक बार खोल के देखना। ठीक है? यस मैम, कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्लास के बाद सेंड करती हूँ ग्रुप के अंदर, तो एक बार जिस जिसका और अकाउंट नहीं खुल रहा है तो एक बार खोल के वहां से देखना। मैम ये डॉक्टर अली की बुक थी ना अभी जो, जिससे क्वेश्चन करा लीजिए आप। पता नहीं यार, ये MTG थी शायद। मैम मैंने किए थे ना इससे। अच्छा चलो, अच्छा ही है। Good night, ma'am. Good night, ma'am.